और मैं क्षत्रिय महासभा से जिला अध्यक्ष हूँ और प्लस मैं करणी जिला में काम करती हूँ। मेरा मानना यह है कि अगर किसी लड़की को ऐसे करके गोली मार दी जाएगी तो हमारी बहन बेटियों का क्या होगा। मेरा मानना यह है ऐसे जितने भी कातिल हैं उनको बीच चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दी जाए। जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। क्या नाम है? ये लबड़ कांड हुआ है, मैं निकिता तोमर को जो निर्मम हत्या की गई है उनको तत्काल सजा दी जाए और फांसी दी जाए और आने वाले भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित ना हो, ये हमारा जिलाधिकारी महोदय को निवेदन है। किस संस्था से आप लोग? जी मैं करणी सेना से हूँ, अमित सिंह चौहान जिलाध्यक्ष बरेली। हाँ क्या नाम है आपको? करणी सेना में जिला अध्यक्ष हूँ। मैं निकिता के हत्यारों को फांसी दिलवाने की डीएम साहब से अपील करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ निकिता के जो हत्यारों को बिल्कुल ही ना बख्शा जाए, उन्हें सालों को गोली मार दिया जाए। तत्काल डीएम हमारा डीएम साहब से हमारा निवेदन है कि हमारी जो गुहार लगाई गई है वो हमारी ऊपर पहुँच जाए। निकिता के सम्मान में, निकिता के सम्मान में। थोड़ा वीडियो बन रही, थोड़ा निकिता के सम्मान में, बेटी के सम्मान में, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। निकिता के सम्मान में, बेटी के सम्मान में, बेटी के सम्मान में। मैं प्रधानमंत्री महोदय से गुहार करता हूँ आपके द्वारा, जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद में किस प्रकार से हिंदू बेटी को खुलेआम जिसकी वीडियो भी प्रचारित है कि वीडियो में दिख रहा है कि कौन मार रहा है, निर्मम हत्या कर दी गई एक मुस्लिम युवक के द्वारा। वो क्यों की गई? क्योंकि वो उसे लव जिहाद के रूप में अगर धर्म परिवर्तन कराना चाहता था और वो लड़की धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती, जबरदस्ती उसे घसीट के ले जाना चाह रहा था, वो नहीं जा रही थी और जो नहीं उसको प्रयास में वो अपने सफल हो पाया तो उसको गोली मार दी गई।